What's up guys? नमस्कार, केम छो, मजा मा? गोल्डन मंकीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो हाउ टू बिल्ड अ केपेबल कैंपर वैन को आप सभी ने देखा और बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? पिछले वीडियो में हमने देखा कुछ गाड़ी के एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन जो हम करवा सकते हैं अपनी गाड़ी में उसे एक केपेबल कैंपर वैन बनाने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी के कुछ ऐसे इंटरनल मॉडिफिकेशंस की जो कार कैंपिंग के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। बिना किसी मॉडिफिकेशंस के भी आप कार कैंपिंग कर ही सकते हो, लेकिन सामान इधर उधर करने में ही थक जाओगे तो क्या मजे लूटोगे कैंपिंग के। आसानी से हर मॉडिफिकेशन समझ पाए इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया है 4 सेक्शन में, किचन सेटअप, बेड सेटअप, पावर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। तो ये तो हो गए 4 पहिए अपने कैंपर वैन के, और पांचवा पहिया स्टेफनी, वो होगा अपना सिलेक्शन ऑफ कैंपिंग एंड रिकवरी गियर्स। इन सभी के कॉस्ट, बिल्ड और प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप भी अपने लिए एक बेहतरीन कैंपर वैन बना पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेके प्रभु का नाम बोलो, गणपति बाप्पा मोरया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किचन सेटअप की, क्योंकि हम इंडियंस खाने के शौकीन होते हैं और अच्छे खाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक अच्छे किचन सेटअप की और एक अच्छे कुक की। इसीलिए हमारे सेटअप का नाम है पूर्वी द ढाबा। ढाबा इसलिए क्योंकि ढाबे पर कोई भी चीज़ मंगाओ फटाफट मिल जाती है फ्रेश रेडी होकर, और इसमें डलने वाले है पूर्वी के हाथों से कुछ मसाले और स्वाद। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूर्वी दा ढाबा। ये हमारे किचन सेटअप का वर्जन 2 है। वर्जन 1 हमने बनाया था हमारी XUV 500 में, जो एक सिंपल बॉक्स था। उसमें सिर्फ पीछे स्टोरेज था, लेकिन वो ऊपर और आगे दोनों तरफ से खुलता था। वो हमारा किचन कम स्टोरेज यूनिट था। किसी भी 7 सीटर गाड़ी में अगर लास्ट रो की 2 सीट निकाल दी जाए तो आप किचन यूनिट आराम से बना सकते हो। हमारे पिछले सेटअप को 2 साल यूज करने के बाद हमें लगा अब हमें इसे अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन तभी हमने एक नई गाड़ी भी ले ली, वो थी हमारी द स्कॉर्पियन किंग। किचन सेटअप बनाने के लिए हमने बहुत प्लानिंग और रिसर्च की, बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, और फिर अपनी गाड़ी के इंटरनल मेजरमेंट्स लेकर हमने ये किचन सेटअप खुद डिजाइन किया। इसे डिजाइन करते वक्त हमने ये ध्यान रखा कि इसकी हर एक इंच स्पेस यूज हो, कौन सी चीजें कहाँ होगी ये सारा डिसाइड होगा पूर्वी के हिसाब से, ताकि किचन खोलते ही लगे कि वो घर जैसा किचन है। हमें चाहिए था फटाफट खुलने वाला एक प्रैक्टिकल किचन सेटअप जिसमें सारी सुविधाएं हो और काम करने के लिए कोई तकलीफ ना हो। साथ में हमें चाहिए था भरपूर स्टोरेज ग्रोसरीज के लिए, क्योंकि हमारा फूड प्रेफरेंस भी जैन है। तो पेश है आपके सामने इंडिया का मोस्ट प्रैक्टिकल ड्रॉवर बेस्ड किचन सेटअप, जो आप किसी भी SUV या MUV में बना सकते हो। स्मॉल कार में ये किचन सेटअप फिट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक छोटा बेसिक किचन सेटअप बनाना चाहते हो तो आप इसमें से कुछ आइडियाज लेकर जरूर बना सकते हो। ये सिंपल सा दिखने वाला डब्बा खुलने के बाद बन जाता है एक फुल फ्लेज किचन सेटअप। अगर आप इसकी टेक्निकल डिटेल्स नहीं जानना चाहते और सिर्फ इसका फंक्शनिंग देखना चाहते हो तो स्किप करके जा सकते हो अगले सेक्शन पर। सबसे पहले बात करेंगे इसके साइज की। ये 30 इंच डीप, 40 इंच वाइड और इसकी हाइट करीबन 15 इंचेस है। ऑलमोस्ट सभी SUV में पीछे इतनी ही जगह मिलती है, 1-2 इंच आगे पीछे करना पड़ता है, बट आप सेम टू सेम किचन यूनिट बना सकते हो। आप इसे सेमी परमानेंट या एक परमानेंट सेटअप की तरह लगा सकते हो। हमने तो इसे हमारी गाड़ी में परमानेंट फिक्स कर दिया है, क्योंकि हम हमारी गाड़ी को यूज करते हैं एज अ 5-सीटर कार। ये एक फ्री स्टैंडिंग ड्रॉवर बेस्ड किचन सेटअप है, यानी इसका ड्रॉवर खोलने के बाद इसके नीचे कोई सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये 18mm के मरीन प्लाई से हमने बनवाया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हैवी हो गया है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। हमने इसके दोनों तरफ अंदर और बाहर लैमिनेट्स लगवा दिए हैं, ताकि वो क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए आसान हो जाए। जनरली हमने देखा है कि जो लोग किचन सेटअप बनवाते हैं अपनी गाड़ी में, वो लोग ये ऐसे लैमिनेट्स नहीं लगवाते हैं।
थोड़ा खर्चा होगा लेकिन करवा लेना चाहिए, क्योंकि कोई मसाला तेल वगैरह कुछ भी लीक हो गया या गिर गया तो वो क्लीन करने के लिए एकदम आसान है। हमारे इस किचन सेटअप में है दो मेन ड्रॉवर्स जिनमें लगी हुई है 28 इंच की हैवी ड्यूटी चैनल्स, ताकि ये ड्रॉवर्स पूरे बाहर तक खुल सके। और बहुत ढूंढ के मंगवाए हैं हमने ये मरीन ग्रेड ऑल इन वन हैंडल्स, जो हैंडल ही नहीं बल्कि स्प्रिंग लॉक है और की लॉक भी है। ये हैंडल्स हमने मंगवाए अमेजोन दुबई से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। इन हैंडल्स को फिक्स करने के लिए हमें करना पड़ा थोड़ा जुगाड़, लेकिन हमारा कारपेंटर सही था, इसीलिए उसने सही तरीके से इसे यहाँ पर फिट कर दिया है। ये वन ऑफ अ काइंड लॉक्स है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही आपके सेटअप को डिफरेंट और कन्वीनियंट बनाती है। और ये सामने ऊपर दिखने वाले दो प्लाईवुड है हमारे क्विक ओपनिंग शेल्फ्स, इसके लिए हमने यूज़ किए हैं 10 इंच के क्विक ओपन एंड क्लोज शेल्फ ब्रैकेट्स। पीछे से इस किचन यूनिट को हमने फिक्स कर दिया है एक स्टील का ब्रैकेट लगाकर इन मिडल रो सीट्स के साथ, ताकि वो इधर उधर न हो। काफ़ी भारी होने के बावजूद भी इसकी दोनों साइड्स और आगे की जगह खाली होने के कारण वो ड्राइविंग में इधर उधर हो सकता है। और आगे सिर्फ दो वुडन ब्लॉक्स लगाकर इसको सपोर्ट दिया गया है, ताकि वो लेवल रहे। किचन यूनिट के दोनों साइड में हमने थोड़ी थोड़ी खाली जगह रखी है, क्योंकि ये ड्रॉवर सेटअप है तो ये ड्रॉवर खोलते वक्त अपनी गाड़ी की फ्रेम के साथ टच ना हो। हमने बहुत कट टू कट मार्जिन से सब बनाया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़े स्क्रैचेस भी हुए हैं। और ये जो खाली साइड की जो स्पेसेस है उसे हम यूज़ करते हैं अपनी रिकवरी गेयर्स और दूसरा सारा सामान रखने के लिए। यहाँ ऊपर सामान रखा भी हो तो भी हम इसे इजीली एक्सेस करते हैं यहाँ से आगे से अपनी सीट्स नीचे करके। जनरली एसयूवी गाड़ी की फ्रेम ऐसे ऊपर होती है, इसीलिए ये किचन यूनिट को हमें थोड़ा रेस करना पड़ा ये वुडन ब्लॉक्स लगाकर। और ये नीचे वाली जगह को भी यूज़ कर सकते हैं हम टूल्स वगैरह रखने के लिए, लेकिन इस जगह को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हमने इसमें बना दी एक स्टेनलेस स्टील की ड्रिंकिंग वाटर टैंक। इस वाटर टैंक के बारे में हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट में। तो ये थे कुछ डिटेल्स हमारे किचन यूनिट के कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और स्पेस यूटिलाइजेशन के आइडियाज़। इसे डिज़ाइन करते वक्त हमने बहुत सारी रिसर्च की। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के लिटरली घंटों तक खड़े रहते थे कि ये कैसे होगा, एक प्रैक्टिकल किचन सेटअप कैसे बनाया जाए जो हमें हमारा कारपेंटर आसानी से बना के दे सकता है। इसकी प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स और यूजेज के बारे में अपने को पूर्वी बताएगी, लेकिन इसके पहले बात कर लेते हैं अपने इस पूर्वीदा ढाबा के कॉस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं इसके हार्डवेयर फिटिंग्स की। इसके ये जो दो इंपोर्टेड लॉक्स है वो हमें पड़े करीबन 1500 में, और ये 10 इंच के शेल्फ ब्रैकेट पड़े हमें 1200 में। हमारे दो मेन जम्बो ड्रॉवर की हैवी ड्यूटी चैनल और दो सेट छोटे ड्रॉवर चैनल, ये सब मिला के करीबन 2500 में, और बाकी छोटे मोटे हिंजेस और हैंडल्स करीबन 500 के, यानी ऑलमोस्ट 6000 लगे हमें सिर्फ हार्डवेयर फिटिंग्स के। इसके मटेरियल का जो हमें मेन कॉस्ट लगा है वो है प्लाईवुड और लैमिनेट्स का। प्लाईवुड हमने मरीन ग्रेड यूज़ किया है ताकि पानी और दीमक वगैरह से बच के रहे, इसीलिए कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा लगा है। करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये में हमें पड़ी ये दो प्लाईवुड की शीट्स। इसके अंदर और बाहर दोनों बाजू हमने लैमिनेट्स लगाए हैं, तो लैमिनेट्स भी करीबन हमें 2.5 शीट लगी, वो पड़ा हमें करीबन 3000 का। और हमारे इस पूर्वीदा ढाबा के सपने को साकार करने के लिए हमने दिए हमारे कारपेंटर को 10,000 रुपीज़ एज लेबर। टेक्निकली मैं इतना साउंड भी नहीं हूँ और इतना टाइम भी नहीं है कि ये मैं अपने से खुद बना लूँ, और वो भी इतने फिनिशिंग के साथ। हमारे कारपेंटर ने एकदम अच्छी तरह से हमारे विजन को प्लाईवुड और फेविकॉल लगाकर इस प्रैक्टिकल किचन सेटअप में कन्वर्ट किया है। इसको टोटल हिसाब किताब करें तो हमें ये किचन यूनिट पड़ा है करीबन 25,000 रुपए का। इसकी कॉस्ट 15 से 20 हज़ार हो सकती थी, उसमें वो बन सकता था। एंड दैट इज ऑल यू विल नीड टू मेक अ परफेक्टली प्रैक्टिकल यूजेबल किचन यूनिट इन योर कैंपर वैन। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये। अभी तक का वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं विच विल हेल्प यू मेक अ गुड कैंपर वैन फॉर योरसेल्फ।
तो खर्चा, प्लानिंग, बिल्ड, इन सब की बात हो गई और अब समय आ गया है इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाने का। पूर्वी कब से वेट कर रही है, मेरा नंबर कब आएगा, तो चलिए चलते हैं पूर्वी के पास। थैंक यू रुपेश मुझे ये मौका देने के लिए। बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं किचन सेटअप दिखाने के लिए। ये किचन सेटअप मैक्सिमम मैं यूज करने वाली हूँ, तो इसकी डिजाइन भी रुपेश ने की है, बिल्कुल मुझे जैसे चाहिए, एकदम घर जैसी। मुझे चाहिए था एक ऐसा किचन सेटअप जिसमें मुझे ज्यादा इधर उधर ना करना पड़े, हाथ लंबे करती कुकिंग की सारी चीजें मिल जाए। हमारा ये डुअल ड्रॉवर किचन सेटअप है जिसमें लेफ्ट में है किचन और राइट में है पैंट्री। इस जंबो ड्रॉवर में हम रखते हैं हमारी सारी फूड आइटम्स और ग्रोसरी आइटम्स, जो 10 से 12 दिनों के लिए हम ओवरलैंडिंग ट्रिप के लिए जाते हैं, तो इसमें ये सारी फूड आइटम्स आ जाती है। इस ड्रॉवर को हमने ये 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। अभी इस ड्रॉवर में कुछ दूसरा सामान पड़ा हुआ है, पर ये पहले कंपार्टमेंट में हम रखते हैं अपनी फूड आइटम्स, जैसे कि ड्राई स्नैक्स है, खाकरा, वेफर्स। सेकेंड में रखते हैं हम दाल, चावल, आटा। और ये लास्ट कंपार्टमेंट है जिसमें हम हमारे कुछ किचन गैजेट्स रखते हैं, जैसे कि टोस्टर, केटल, हैंड टॉवल्स वगैरह। हमारी कैंपर वैन को कैसे सेटअप करते हैं ये देखने के लिए आई बटन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए कर देते हैं इसको बंद और अब खोलते हैं हमारा किचन ड्रॉवर। इसमें सबसे पहले है हमारा ऊपर गैस स्टोव। ये एक रेगुलर कैंपिंग एसेसरी है जो छोटे गैस कैनिस्टर पे चलता है। ये सिंगल बर्नर वाला गैस स्टोव हमें इनाफ लगता है, हमें डबल बर्नर वाले होम स्टाइल गैस स्टोव पर नहीं जाना था। और ये यहाँ पर है हमारा एक छोटा सा कटलरी का कंपार्टमेंट, जिससे हम हमारी सारी चीजें जैसे स्पून, नाइफ और बाकी कुकिंग में लगने वाली सारी कटलरी आ जाती है। कुकिंग के वक्त ये ड्रॉवर हमेशा खुला रहता है, इसलिए कोई छोटी बड़ी चीजें लेने के लिए मुझे ड्रॉवर खोलना बंद करना नहीं पड़ता। और ये यहाँ पर है ये गैस स्टोव के नीचे हमारा मसाला ड्रॉवर। हमारे घर के ऑलमोस्ट सभी मसाले इसमें होते हैं, इंक्लूडिंग रेडी टू ईट जैन मसाले, टोमेटो प्यूरी, मिल्क वगैरह। आज तो इसमें कुछ रखा नहीं है, पर मैं कैंपिंग में घर जैसे मसालों का स्वाद मिले इसलिए मैं मसालों में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। हमारे कारपेंटर से एक छोटी सी गलती हो गई है, इसलिए ये बॉटल्स को मैं खड़ी नहीं रख सकती हूँ, इसे मुझे सुला के ही रखना पड़ता है। ये थोड़ा छोटा बन गया है, ये हमने बोला था इतना बनाने, उन्होंने ये ऐसे बंद होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो रहा है, उन्होंने ये गलती कर दी। तो अभी ये इतना बड़ा बन सकता था ये, लेकिन बना नहीं है, ठीक है लेकिन। और ये यहाँ पर है कुछ हैंडल्स जिसमें हम हमारे किचन टॉवल्स और नैपकिन्स लटका सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है डिजाइनिंग में, तभी हमें इसे यूज करने में मजा आती है कैंपिंग में। ये बचा हुआ हमारा आधा हिस्सा है बर्तनों के लिए, जिसमें हम हमारे छोटे बड़े सारे बर्तन रख सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर, प्लेट्स, कढ़ाई, मग्स, और हमारा एक्सप्रेसो कॉफी मेकर भी इसमें फिट हो जाता है। ये बड़ा स्टोरेज यूनिट होने की वजह से इसमें हम हमारे सारे बर्तन एक के अंदर एक भी आसानी से भी रख सकते हैं। ये अपना फोल्डिंग बकेट भी आ गया है। तो ये तो सारी बात हो गई किचन स्टोरेज की, अब बात करते हैं कुकिंग कन्वीनियंस की। कुकिंग करते समय गैस स्टोव के अलावा हमें बहुत सारी प्लेटफॉर्म स्पेस चाहिए होती है चॉपिंग और प्रिपरेशन के लिए। बर्तन निकालने के बाद हम ये साइड वाला हिस्सा यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के लिए, पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए हमने बनाया ये कूल इजी टू ओपन शेल्फ, जो हम आसानी से ओपन और शट कर सकते हैं। तो इसे खोलने के बाद आसानी से 4-5 फीट का प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है, और इस आइडिया का 100% क्रेडिट जाता है रुपेश को। थैंक यू पूर्वी। लेकिन बाकी का पूरा यूनिट डिजाइन करने में मैंने बहुत हेल्प की है तुम्हारी। वो बात तो है। यहाँ पर खड़े रहकर कुकिंग करना एकदम कंफर्टेबल है। गैस स्टोव, ये चॉपिंग एरिया, ये एक्स्ट्रा टेबल, सभी कुछ आपके सामने है। ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस भी एकदम कन्वीनियंट जगह पर सेट है। बस यहाँ से बर्तन उठाओ, पानी भरो और गैस पर चढ़ा दो। और हमने ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारे सेफ्टी के लिए इसी के बगल में लगाया हुआ है। ये हमारा किचन सेटअप इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इसमें हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। मजेदार खाना खाने के बाद अब बारी आती है बर्तन धोने की, तो अब हम दिखाते हैं हमारा ये वॉशिंग एरिया। बर्तन धोने के लिए हमने इस छोटी सी स्पेस में इंस्टॉल किया है ये फोल्डिंग बेसिन, जो हम ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं,
पर कैंपिंग साइट्स पे या हाईवे पर साइड में जमीन पर ही बर्तन धोते हैं। फिर भी ये एक बहुत काम की चीज है। पानी के लिए यहाँ ऊपर हमें इस ओवरहेड वाटर टैंक में ये शावर हेड लगाना पड़ेगा और इसे हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर टैप के जैसे। और ये यहाँ पर भी हमने कुछ हैंडल्स बनवाए हैं ये हैंड टॉवल्स लटकाने के लिए। इसके सेटअप और वाइंड ऑफ में 30 सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, इसलिए हम इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर अर्जेंट कुकिंग ऑन हाईवे और फॉर लीजर कुकिंग इन कैंपिंग। तो देखा आपने ये छोटा सा डिब्बा खुलने के बाद कितना मस्त और मजेदार किचन बन जाता है। हमारे कोई भी फूड आइटम्स या यूटेंसिल्स इसमें खुले नहीं रहते हैं, सब पैक्ड और सेफ रहते हैं अंदर। इसके अलावा हमारे किचन सेटअप में हमारे पास है एक या 12 वोल्ट का डीसी फ्रिज जिसमें रखते हैं हम डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये एक बास्केट जिसमें रखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये दोनों भी चीज हम अपनी आगे वाली सीट पे ही रखते हैं। किचन यूटेंसिल्स और ग्रोसरीज के सेटअप का वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो फाइनली दोस्तों, हमारे पूर्वीदा ढाबा का टूर खत्म हुआ। अब आपकी बारी है हमें कमेंट्स में बताने की कि क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। ये सेटअप आप किसी भी मिड साइज एसयूवी में बना सकते हो। इनफैक्ट ये रिमूवेबल है और ये इसे निकाल के किसी दूसरी गाड़ी में भी लगा सकते हो। ये सेटअप बनाने के लिए अगर एक स्किल्ड कारपेंटर हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को लेकर आप अपनी गाड़ी का किचन यूनिट डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन सोचो 10 बार और बनाओ सिर्फ एक बार, क्योंकि बनाने के बाद इसमें चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे इस वीडियो का मकसद है अगर आप अपनी कैंपर वैन में एक किचन सेटअप बना रहे हो तो उसकी प्रैक्टिकलिटी और यूजेबिलिटी सोच के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फटाफट खुलने वाले बेड सेटअप की और लग्जोरियस बेडरूम की। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो में जल्दी ही मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, आओ जाओ।